हाय गाइस, कैसे हैं? ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास जो पेंटिंग के कलर्स हैं, पेंसिलें हैं, ये ना बॉक्स मैंने इधर से लिए थे, तो ये मैं यूज़ कर रहा था, तो अभी ये फिल हो चुके हैं। एक्स्ट्रा जो सामान है वो ये रखने के लिए और स्पेस नहीं है, तो मैंने सोचा है कि एक बॉक्स मिला है, इसको पेंटिंग करते हैं, फिर इसमें जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो शेयर करते हैं। तो अब हम इसको पेंट करेंगे। ये जो बॉक्स है जो मैंने अपना इस यूज़ करना है एक्स्ट्रा इधर से उधर के लिए, ये बॉक्स असल में मैं किचन से उठा के लाया हूँ मम्मा के, तो अभी मदर को नहीं पता, तो अभी इसको कलर करूँगा तो देन उनको दिखाऊँगा, तो देख के डांट पड़ती है, ये शाबाश मिलती है, वो बाद में पता चलेगा। तो ये सामान इधर शेयर करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ये पेंट मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ये भी एक अच्छा एक न्यू आइडिया है कि मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट से स्टार्ट किया है। तो आप लोगों के पास भी गाइस अपने आप को जो है वो बिज़ी रखना चाहिए इंसान को, तो आप भी कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं, हो सकता है कि आप हमसे कुछ बेहतर बनाना जानते हो, तो आप भी हमें कोई एक्स्ट्रा कोई आइडिया देना चाहें कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे आपकी सपोर्ट के साथ ही सब कुछ हो सकता है, तो कुछ न्यू आइडियाज़ हो कुछ बनाने के हवाले से तो आप भी शेयर कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, मैं इसको ज़रा प्यार से, क्योंकि मेरा खुद का फेवरेट कलर ब्लैक है, तो ब्लैक थोड़ा सा जो है वो मैं प्यार से इस्तेमाल करता हूँ, देखता भी प्यार से हूँ वैसे तो ये एक अच्छा कलर है, बड़ा लश कलर है, तो बड़ा अच्छा कलर है ये, तो मैं इसको बड़े प्यार से जो है वो एक खूबसूरत मैं इसको बॉक्स बनाऊँगा अपनी पेंटिंग के सामान के लिए, क्योंकि इसमें पेंटिंग का सामान रखना है तो इसको बेचारे को भी तो पेंट करना पड़ेगा। तो अभी तो स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह एक फाइन लुक आएगी, तो कुछ न्यू स्टाइल के साथ आपके साथ सामने पेश करेंगे, बल्कि आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, तो ये आइडिया आप भी जो है ना वो कर सकते हैं इस्तेमाल। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान होता है, इंसान जब करने को चाहता है स्टार्ट करता है तो सब कुछ कर लेता है, तो मैंने भी स्टार्ट किया तो ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये कोई ऑलमोस्ट जो है ना वो, क्योंकि ये प्लास्टिक है उसके ऊपर कलर थोड़ा सा मुश्किल ठहर रहा है, तो थोड़े से इस पर मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो इसी के दौरान मुझे एक शेर याद आ गया काले रंग पे ना, कि साईं दुनिया रंगीन है बहुत, साईं दुनिया रंगीन है बहुत, और मैं सद शदाई स्या रंग का। तो ये मुझे एक शेर इस पर याद आ गया जो इस काले रंग पे बिल्कुल जचता है, तो ये बस कंप्लीट है, तो ये फाइनल जो है मैं कोड इस पर कर रहा हूँ, ये बस यहाँ तक है। तो इसी तरह मुझे जैसे एक पहले पोइट्री याद आई, तो इसी तरह मुझे एक और भी पोइट्री काला रंग आज करते हुए मुझे याद आ गई है, तो कि वो कुछ यूँ है, और काला रंग ख़ास इसलिए भी पसंद है मुझे कि ये बदलता नहीं अपना रंग दूसरों से मिलने के बाद। तो काला रंग इसमें इसका मतलब यही है कि इसमें आप कोई भी रंग मिक्स कर लें तो ये अपना रंग नहीं बदलता, तो जो पोइट्री मैंने अभी पढ़ी है उसका मतलब भी यही था कि काले रंग में आप कोई भी रंग मिक्स करें तो ये अपना रंग नहीं बदलता। तो ये तकरीबन जो है ना वो हमने इसको पेंट कर लिया है बॉक्स को, तो अभी इस पर दूसरा पेंट लगे। जी दोस्तों, हम ये इस बॉक्स को हमने पहले ब्लैक कलर किया, अब उसके बाद जो है हमने इस पर लेड पेंसिल के साथ जो है वो ड्रॉ किया है लेड पेंसिल के साथ। अब हम इसको जो है ना ये फ्लावर टाइप, तो हम जो एक ब्रीक ब्रश लेके अब इसको जो इसकी लाइनिंग है उस पर कलर कर रहे हैं, ये लाइक ये शॉकिंग टाइप है, तो मैं इसको जो है वो ग्रीन कलर के साथ ये लाइनें, ये अंदर जो फ्लावर का अंदर वाली जो चीज़ है वो हम जो स्पेस है उसको हम जो है वो येलो के साथ डॉट लगाएंगे, इसको फिल करेंगे, तो एक ये हो गया, नेक्स्ट ये है, तो ये हम ऑलरेडी कुछ दो से तीन जो है वो पहले से फिल कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दोबारा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा ये जो है ना वो मदम हो गया है कलर, इसको थोड़ा सा हम फिर बोल्ड कर देते हैं ब्लैक के ऊपर, थोड़ा सा जो है वो कलर जो है वो उसके अंदर मिक्स होता जा रहा है, लेकिन हम इसको फिर भी जो है ना एक अच्छी लुक देंगे, इसको हमने बोल्ड कर दिया। ये देखें जैसा कि ये अब ये जो अंदर वाली पत्तियाँ हैं इसको हम जो है ना वो वाइट के साथ फिल करेंगे, तो वो भी हम आपके साथ अभी इसको थोड़ा सा हम कवर कर लें।
अब वाइट कलर की बारी है, हम जो है ना इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको वाइट कलर का करेंगे। तो ये अब देख रहे हैं इसकी बारी है, तो इसको भी हम जो है वो हम वाइट के साथ जो है ना वो हम इसको फिल कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये जो है वाइट कलर हम ये हमने अब जो है ना वो वाइट के साथ फिल किया है। और ये फ्लावर क्या आप देख सकते हैं, एक अच्छा फ्लावर बन गया और बॉक्स की भी थोड़ी सी लुक जो है ना वो बेहतर हो गई है। तो ब्लैक के ऊपर जो है ना हमने उसके अंदर जो है वो येलो के साथ फिल किया, और ये जो है इनकी इसकी पत्तियाँ टाइप है वो हमने जो है ना वो वाइट के साथ फिल किए हैं। और इसको मार्कर को यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले मैंने ग्रीन इसमें ये जो शाखें थी इसकी उसको ग्रीन के साथ जो है ना वो किया था, लेकिन वो ब्लैक के साथ मिक्स हो गया, मिक्सअप हो गया। तो इसीलिए गोल्डन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना थोड़ा सा वाजह हो जाए और ये नज़र आए कि ये एक पत्ती वाला फ्लावर है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये ऐड करने से ये थोड़ा सा वो जो ग्रीन है वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो डल हो गया था, वो उसमें ब्लैक में मिक्स हो गया। तो अब ये हमारा लास्ट आखिरी एक दो फ्लावर रह गए हैं जिसको हम फिल कर रहे हैं बड़ी तसल्ली के साथ, ताकि जो है वो ये फ्लावर जो है वो अच्छे नज़र आ सकें। तो ये जो पेंटिंग है ये हमारी जो है ना ये फाइनल टच जो था फ्लावर्स का, तो वो एक बार देख लें कि हमने जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल टच था, ये वही बॉक्स है जिसको हमने जो है ना पहले पेंट किया, फिर बाद में ऊपर ये ड्रॉ किया रेड पेंसिल से। अब हम जो है ना इसको ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके ऊपर एक खूबसूरत सा बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हम इसका येलो बॉर्डर कर बना रहे हैं इसके ऊपर जो ना वो येलो के साथ बॉर्डरिंग कर रहे हैं इसकी। अच्छा ये जो बॉक्स था ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था, तो अब ये जब फाइनल हो गया है तो ये हमने यूज़ में लेके आना है अपने ब्रशेज़ को, और ये जो पेंसिल्स हमारी फिल हो गई थी उसको जो है ना उसके उसको हमने इसमें रखना है, तो उसके लिए हमने ये रेडी किया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जो है ना वो सही मैंने कहा था ना आइडियाज़ से आइडियाज़ निकलते हैं, तो सडनली मुझे ये नज़र आ गए छोटे छोटे मिरर्स, तो मैंने कहा चलो ये ऊपर बॉर्डर तो बना ही दिया उस पर ये भी अप्लाई कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ना इसको जो है ना वो चार चांद लगा देते हैं, हम चार शीशे लगा देते हैं इसको ताकि इसकी खूबसूरती में जो है ना वो मज़ीद इजाफा हो जाए। तो यहाँ पे एक और पड़ा था, तो ये चार चांद हमने लगा दिए और चार शीशे लगा दिए, एक ही बात है खूबसूरती में इजाफा तो इसकी हो ही गया। तो ये देखें आप, ये है मेरा ये बॉक्स। अब मैं इस जिस मकसद के लिए बनाई थी हमने, तो उसका मकसद हम अब आपको बता देते हैं कि हम ये ब्रशेज से थे ये वैसे ग्लास में रखे हुए थे, तो इनको जो है वो मैं अब इसमें सेट करूँगा ताकि जो है ना इसका मकसद भी पूरा हो जाए और इसकी आप जो है ये लुक भी देखें। इसको भी ये भी जो हमारा ग्लास था ये भी थोड़ा सा जो है ना ये फ्री हो गया है, तो ये एक मेरी सीज़र भी पड़ी हुई है वो भी मैं इसमें जो है ना वो मैं रख दूँगा। तो ये देखें अब ये ग्लास जो है ये हमारा खाली हो गया। ये हमने जो है वो इसके सेटअप पे हमने ये जो हमारा एक छोटा सा सेटअप है पेंटिंग का, तो ये चीज़ें हम वापस रख रहे हैं, तो जो है ना वो हमारा कम्प्लीट हो चुका है। ये मैं चीज़ें अपनी वापस रख रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है आज की पेंटिंग हमारी। तो जो है ये आप देख रहे हैं मेरे सेटअप पे एक और जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई और उसकी लुक जो है ना उसमें सारी सबको जो है ना वो अपनी उसमें उसकी अपनी एक लुक लगी है। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज की जो एक ये जो हमारा आज का एक मिनी व्लॉग था वो कम्प्लीट हो गया है। तो ये मेरा नाम है यासिर, और सेम इसमें भी यासिर। तो आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को वॉच करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।